Good afternoon, myself Vikas Yadav from Buddha Institute of Pharmacy. Now we will discuss about various terms which is used in pharmacology. First one is drug tolerance. What is drug tolerance? ड्रग टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ? ड्रग टॉलरेंस कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी दवा से कोई एक रिस्पांस चाह रहे हैं, उसके लिए आपको एक डेफिनेट डोज दी जा रही है। तो शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एक फिक्स डोज से आपको स्पेसिफिक रिस्पांस आ जा रहा है, लेकिन जब हम उसी दवा को बार 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 यूज करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमें उसी रिस्पांस को अचीव करने के लिए हाई डोज की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज नोन एज ड्रग टॉलरेंस। इट मींस ड्रग टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि आपको एक स्पेसिफिक रिस्पांस को अचीव करने के लिए दवा की ज्यादा डोज की जरूरत पड़ जाए। सपोज दैट आपको बुखार था और कोई एक दवा थी ए, उस ए दवा के 100 mg से आपका फीवर पहले उतर जा रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसी उतने ही अब आपने उस दवा का बारंबार यूज करना शुरू कर दिया कि जब भी बुखार हो रहा है तो आप उसी दवा का यूज कर, जब भी बुखार हो रहा है तो आप उसी दवा का यूज करेंगे। तो एक समय बाद आप देखेंगे कि आपको बुखार उतारने के लिए अब 100 mg के बजाय 150 mg या 200 mg की जरूरत पड़ रही है। उसी बुखार को उतारने के लिए, उतने ही बुखार को उतारने के लिए आपको दवा की डोज को बढ़ाना पड़ रहा है, मींस इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इज नोन एज ड्रग टॉलरेंस। अब जब भी हम ड्रग टॉलरेंस की बात करते हैं, आप लिखेंगे require high amount of drug to produce specific response is known as drug tolerance. ड्रग टॉलरेंस एग्जाम्पल क्या क्या है? अब ये ड्रग टॉलरेंस, कुछ तो ड्रग टॉलरेंस होता है नेचुरल, कुछ आपका ड्रग टॉलरेंस होता है एक्वायर्ड, और कुछ होता है आपका क्रॉस टॉलरेंस। क्या होता है? क्रॉस टॉलरेंस। नेचुरल टॉलरेंट क्या होते हैं? जैसे रैबिट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एट्रोपिन ड्यू टू इट्स जेनेटिक पैटर्न। रैबिट में एट्रोपिन का इफेक्ट नहीं होता है ड्यू टू इट्स जेनेटिक पैटर्न। It is a type of natural tolerance. दूसरा क्या है? बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि किसी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के लिए बीटा ब्लॉकर
की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, मींस हाइपो रिस्पॉन्सिवनेस टू बीटा ब्लॉकर। हाइपोरिस्पॉन्सिवनेस टू बीटा ब्लॉकर। मतलब क्या कि अगर कोई पर्सन बीटा ब्लॉकर के प्रति बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, उसके कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक पैटर्न की वजह से हाइपोरिस्पॉन्सिवनेस है, तो इट इज ए टाइप ऑफ नेचुरल ड्रग टॉलरेंस। फिर आपका आता है एक्वायर्ड ड्रग टॉलरेंस। एक्वायर्ड ड्रग टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ, इसका एग्जांपल क्या क्या है? बेस्ट एग्जांपल इज अल्कोहल। दूसरा एग्जांपल क्या है? एंटी डिप्रेसेंट। तीसरा एग्जांपल क्या है? सीएनएस स्टिमुलेंट। चौथा एग्जाम्पल यूफोरविया, यूफोरिक नेचर ऑफ मॉर्फिन। मतलब किसमें आएगा? एक्वायर्ड ड्रग टॉलरेंस। किसमें आएगा? एक्वायर्ड ड्रग टॉलरेंस। एनाल्जेसिक नेचर ऑफ सर्टेन ड्रग। जैसे पहले क्या होता था कि हम देखते थे कि 500 mg PCM देने पे काफ़ी पेशेंट्स को बुखार में आराम मिल जाता था, या किसी स्पेसिफिक दवा का कम अमाउंट में आराम मिल जाता था। बाद में जब उसका बारंबार यूज शुरू किया गया फ्रिक्वेंटली, तो देखा गया कि अब हमें थोड़ा हाई अमाउंट देना पड़ रहा है। अल्कोहल जैसे शुरुआत स्टेज में ये देखा जाता है कि जो लोग अल्कोहल का यूज शुरू करते हैं तो थोड़े से अमाउंट में ही उनमें रिस्पांस आता है, लेकिन बाद में वही रिस्पांस आने के लिए हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। इट इज अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड ड्रग टॉलरेंस। एंटी डिप्रेसेंट में देखा गया कि बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो शुरुआती स्टेज में कम डोज पे जिनसे जो एंटी डिप्रेसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है, अब अगर पेशेंट उन दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल करे तो एक समय के बाद उन्हीं दवाओं की हाई अमाउंट रिक्वायरमेंट होती है फॉर एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी। ऐसे तीसरा आपका क्या? सीएनएस स्टिमुलेंट। अगेन बहुत सी ऐसी ड्रग हैं जो सीएनएस स्टिमुलेंट के तौर पर यूज की जाती हैं, लेकिन लंबे समय तक यूज करने के बाद उनमें ड्रग टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। ऐसे यूफोरिक नेचर ऑफ मॉर्फिन, यूफोरिया। यूफोरिया क्या है? यूफोरिया का मतलब होता है सेंस ऑफ हैप्पीनेस। आप किसी एक स्पेसिफिक दवा का यूज करें और यूज करने के बाद आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगे, दिस इज नोन एज यूफोरिया। यूफोरिया तो मॉर्फिन में ऐसा देखा गया, मॉर्फिन का जो लोग यूज करते हैं यूफोरिक नेचर, तो लंबे समय तक यूज करने के बाद उनमें क्या डेवलप होता है? ड्रग टॉलरेंस। पता चला मॉर्फिन की पहले कम डोज से उनको अच्छा लगता था, बाद में वही मजा उनको मिलेगा मॉर्फिन के हाई डोज से, इसे हम क्या कहेंगे? एक्वायर्ड ड्रग टॉलरेंस। तीसरा आपका आता है क्या? क्रॉस ड्रग टॉलरेंस। क्रॉस टॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि किसी एक दवा का यूज करने की वजह से दूसरे दवा के इफेक्ट पे या उसके रिस्पॉन्स पे असर पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस टॉलरेंस। जैसे अल्कोहल प्रोड्यूस
क्रॉस टॉलरेंस फॉर बॉर्बिटुरेट्स एंड एनेस्थेटिक एजेंट। से कहने का क्या मतलब हुआ, मान लो कि 2% है, 1% ऐसा है जो अल्कोहल का यूज नहीं कर रहा है और 1% ऐसा है जो अल्कोहल का यूज कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि जो पर्सन अल्कोहल का यूज नहीं कर रहा है उसमें बारबिटोरेट्स और जनरल एनेस्थीसिया का एक्शन कम डोज पे ही आ जाता है, और जो पर्सन अल्कोहल का यूज लंबे समय से कर रहा है उसमें बारबिटोरेट्स और जनरल एनेस्थीसिया का एक्शन हाई डोज पे आएगा। यानी कि अगर किसी अल्कोहलिक पर्सन की सर्जरी की जाए और उसे जनरल एनेस्थीसिया दिया जाए तो उसे नॉर्मल डोज की तुलना में ज़्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा अमाउंट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होगी। इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस टॉलरेंस। क्या कहेंगे इसे हम, क्रॉस टॉलरेंस। अब एक नया टर्म आता है, ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस कहने का क्या मतलब हुआ, ड्रग डिपेंडेंस कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको किसी एक खास काम को करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक ड्रग की ज़रूरत पड़ रही है, बिना उस स्पेसिफिक ड्रग की मौजूदगी के आप उस स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। इसे हम क्या कहेंगे, ड्रग डिपेंडेंस। जैसे इसका मतलब सिर्फ यही हुआ, क्या इसका मतलब ये हुआ कि ड्रग डिपेंडेंस एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में किसी भी पर्सन को एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग की जरूरत पड़ती ही पड़ती, बिना उसके वो उस काम को नहीं कर पाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, ड्रग डिपेंडेंस। क्या कहेंगे उसे हम, ड्रग डिपेंडेंस। जैसे लंबे समय तक किसी एक ड्रग का यूज किया जाए तो फिर देखेंगे कि जैसे नींद की दवाएं हैं, मान लिया नींद की दवाओं का अगर हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो फिर देखेंगे कि पेशेंट को कुछ समय के बाद बिना दवा की नींद ही नहीं आएगी। दिस इज नोन एज ड्रग डिपेंडेंस। अगर पेशेंट को नींद लेनी है तो उसे दवा चाहिए ही चाहिए, दिस इज नोन एज ड्रग डिपेंडेंस। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आपका ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन, अब दोनों में अंतर क्या ये बताते हैं। ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन का मतलब ये होता है कि पेशेंट को ये एहसास हो जाए या स्पेसिफिक पर्सन को ये एहसास हो जाए कि बिना उस खास दवा के लिए मैं प्रसन्न रह ही नहीं सकता। ए पर्सन इज फीलिंग दैट विदाउट इनटेक ऑफ स्पेसिफिक मेडिसिन द पर्सन कैन नॉट बी हैप्पी। इफ ए पर्सन रियलाइज दैट विदाउट टेकिंग स्पेसिफिक मेडिसिन ही कॉन्ट बी हैप्पी, दिस इज द कंडीशन ऑफ ड्रग एडिक्शन। अगर किसी पर्सन को यह एहसास हो जाए कि
कि बिना हम दवा उस दवा को लिए हम प्रसन्न रह ही नहीं सकते। दिस इज नोन एज ड्रग एडिक्शन। जैसे आप देखेंगे, अब ड्रग एडिक्शन में तमाम जैसे आपकी ड्रग्स आती है, LSD, एम्फिटामीन, एंटी एंग्जाइटी ड्रग, LSD हो गया, एम्फिटामीन हो गया, एंटी एंग्जाइटी ड्रग, वो सब क्या काज करती हैं? ड्रग एडिक्शन। वो सब क्या काज करती हैं? ड्रग एडिक्शन। अब इसका ये होता कैसे है? बेसिकली किसी स्पेसिफिक माहौल में, मान लीजिए हम प्रसन्न हो गए, तो जब हम खुश होते हैं तो हमारी ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं उसकी वजह से आपके ब्रेन में डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। जब डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है तो आपको एहसास होता है कि आप बहुत वेल, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। अब आपने कोई एक दवा लिया, एक बार उसको यूज किया तो डोपामीन का लेवल थोड़ा बढ़ गया, आपको लगा कि आप और प्रसन्न हो गए। अब आप उसी दवा को बार 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 लेते जा रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उतनी प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए आपको LSD का अमाउंट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, कि बिना LSD को लिए या बिना एम्फिटामिन को लिए आप प्रसन्न रह ही नहीं पा रहे। तो आप बार बार क्या लेंगे? एम्फिटामिन लेंगे, बार बार LSD लेंगे, बार बार कोई एंटी एंग्जाइटी ड्रग लेंगे। इट इज द कंडीशन ऑफ ड्रग एडिक्शन। क्लियर? अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? देखो, पहली कंडीशन आती है ड्रग एब्यूज की। पहली कंडीशन आती है किसकी? ड्रग एब्यूज की, कि आप कोई एक दवा ले रहे हैं, आपको पता है कि वो आपको नुकसान करेगी, लेकिन तब भी आपने उस दवा का सेवन करना शुरू कर दिया। जैसे ड्रग एब्यूज अभी शुरुआती स्टेज में, अब उसको और कहां पहुंच गए? ड्रग एडिक्शन। उसके बाद आगे कहां पहुंच गए? ड्रग डिपेंडेंस। उसके आगे कहां पहुंच गए? ड्रग टॉलरेंस, AADT, ड्रग एब्यूज, ड्रग एडिक्शन, ड्रग डिपेंडेंस एंड फर्दर ड्रग टॉलरेंस। क्लियर? तो यानी ड्रग डिपेंडेंस कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी खास काम को करने के लिए खास दवा की जरूरत को महसूस कर रहे हैं। दिस इज नोन एज ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग एडिक्शन का मतलब क्या? कि आप खुश रहने के लिए आपको ये लग रहा है कि बिना अमुक दवा को लिए मैं प्रसन्न हो ही नहीं पा रहा हूँ। इट इज नोन एज ड्रग एडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, LSD, एम्फिटामिन, एंटी एंग्जाइटी ड्रग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दवाओं के प्रयोग से डोपामीन का लेवल आपके ब्रेन में बढ़ जाता है। कुछ हद तक तो डोपामीन का लेवल नेचुरली बढ़ता है, लेकिन जब एक बार आप इसका यूज करना शुरू कर देते हैं तो डोपामीन का बढ़ने का जो लेवल है वो इनके कंट्रोल में आ जाता है। फिर ये दवा लेंगे तो लेवल बढ़ेगा, तो आप पसंद रहेंगे, नहीं लेंगे तो आप कमजोर बने रहेंगे। तो ये है आपका ड्रग एडिक्शन, ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग टॉलरेंस। इसके आगे हम आपको बताते हैं ड्रग एब्यूज के बारे में। व्हाट इज ड्रग एब्यूज? ड्रग एब्यूज का क्या मतलब हुआ?
ड्रग एब्यूज कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी को खांसी की दिक्कत, तो डॉक्टर ने उसे दिया कि भाई आप फोरेक्स का सेवन कर लें, कुछ दिन सही हो जाएगा। उसने शुरुआत में कुछ दिन फोरेक्स का सेवन किया, अब उसकी खांसी में आराम मिल गया, लेकिन इसी दौरान वो ये देख रहा है कि जब हम फोरेक्स का यूज कर रहे हैं तो उसे नींद बड़ी बढ़िया आ रही है, ड्रॉजनेस क्रिएट कर रहा है, कुछ उसे अच्छा लग रहा है, ड्रॉजनेस नींद बड़ी बढ़िया जो भी की बहुत बढ़िया आ रही है। अब वो क्या करेगा कि डॉक्टर ने कहा अब दवा बंद कर दिया, अभी खांसी में आराम मिल गया, लेकिन तब भी वो नींद के लिए, ड्रॉजनेस के लिए, मजे के लिए, नशे के लिए उस कोरेक्स का यूज आगे भी बढ़ाता जाएगा, करता जाएगा। उसे पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन उससे उसकी बॉडी में कुछ ऐसा रिस्पांस आ रहा है जो उसे बढ़िया लग रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ड्रग एब्यूज, मतलब कि किसी मेडिसिन का किसी पर्सन के द्वारा यूज उसके स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक वर्क को छोड़ करके किसी और काम के लिए यूज किया जाना, इट इज नोन एज ड्रग एब्यूज। ऐसे ये देखा जाता है कि बहुत से लोग कोरेक्स का यूज करते हैं नशे के तौर पर, जबकि वो खांसी में नॉर्मल इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोडीन, लिंक्टस कोडीन में कोडीन मौजूद होता है, ड्रॉजनेस क्रिएट करता है, तो जब वो शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं तो बाद में उन्हें लगता है कि उससे एक वेल फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग, तो बाद में वो प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो गया उसके बाद भी वो उसका इस्तेमाल करते चले जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ड्रग एब्यूज, मतलब कि मेडिसिन का यूज हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए ना करके किसी दूसरे इफेक्ट के लिए कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ड्रग एब्यूज। अब जब हम ड्रग एब्यूज की बात करते हैं तो ड्रग एब्यूज में आपका आता है, जो ड्रग एब्यूज की कंडीशन है उसको क्लासिफाई किया गया है तमाम कैटेगरी में। उसका पहला क्लासिफिकेशन है यूफोरियंट, यूफोरियंट, यूफोरियंट ड्रग एब्यूज, जैसे कि मार्फीन हो गया, कोकीन हो गया, हेरोइन हो गया, इसमें क्या क्या आते हैं, मार्फीन, कोकीन, हेरोइन, इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ यूफोरियंट ड्रग एब्यूज। दूसरा आपका आता है सीएनएस, इसमें क्या होगा कि जब ये चीज लेगा पेशेंट तो उसे अच्छा फील होगा, बहुत बढ़िया है, जब नहीं लेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा क्या आपका सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट का आपका आता है कोकीन, कोकीन एम्फिटामिन, इसको लेने पे क्या होता है, ये सीएनएस को स्टिमुलेट कर देगा तो एक प्रोसेस होता है हेलुसिनेशन, कि आदमी को कुछ ऐसा चीजों का एहसास होने लगेगा जो रियल में है ही नहीं, एक वर्चुअल दुनिया में उसे मजा आने लगेगा, नोन एज हेलुसिनेशन, किसकी जैसे कोकीन एम्फिटामिन, इट आल्सो गेट ड्रग एब्यूज। तीसरा आपका आता है डिप्रेसेंट, में जैसे बारबिट्यूरेट्स और डायजिपाम, ये क्या है, ड्रग एब्यूज डिप्रेशन टाइप के। एक आपका आता है मिक्स्ड, मिक्स्ड काम क्या करता है, स्टिमुलेंट और डिप्रेसेंट, इसका एग्जांपल है क्या, मारिजुआना, ऐसे कोई मारिजुआना का सेवन करता है तो सबसे पहले स्टिमुलेट होगा ब्रेन और बाद में डिप्रेसेंट एक्टिविटी, ये टाइप ऑफ ड्रग एब्यूज। लास्ट है आपका एनाबॉलिक,
स्टेरॉइड्स, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स में आपके क्या आते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। क्या आते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स या टेस्टोस्टेरॉन, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो किसी खास काम को परफॉर्म करने के लिए ली जाती है। जैसे बहुत बार आप लोग सुनते हैं डोपिंग, एथलीट्स वगैरह अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए तमाम स्टेरॉइड का यूज करते हैं। ये भी किस में आता है? ड्रग एब्यूज में। तो ये आपका टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग आगे रिमेनिंग टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।